रहती है बिग बॉस में बार बार, मैं खतरा खतरा पे आना छोड़ूंगी नहीं। आई भाई, मैं आई लड़की हमेशा गीली करनी चाहिए, गीली लड़की अच्छी लगती है। 9 महीने जो ये खेल नहीं पाई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही वो सारी बड़ा घर पे निकालने वाली है, फ्री में जब कोई आता है तो पूरा निचोड़ के नेक्स्ट शो कोई काम ना करे। राहुल वेद्य ने मारी ऑटो में एंट्री। खतरा खतरा के सेट पर सना और निशांत के दिल में बजी घंटी। सना और निशांत ने मारी एक दूसरे को झप्पी। खतरा खतरा शो पर छाया हॉटनेस का खुमार, जब साथ आए रश्मि देसाई और नेहा भसीन। वेल, अपने आने वाले गाने प्रभा को लेकर की ढेर सारी बातें। वेल, आखिरकार क्या कुछ किया इन सितारों ने द खतरा खतरा शो पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Firstly, about the song, congratulations. So tell us something about the song you guys have came together. Salim bhai! गाना जैसे मैंने बताया पापा है गाने का, और मैंने अपनी जर्नी तो ऑब्वियसली देखी, मैंने रश्मि जी की जर्नी देखी है। रश्मि एक सेल्फ मेड एक्टर जो बचपन से इस दुनिया में छा रही है, एंड आई थिंक वी बोथ हैड दैट लाइफ जहाँ हमें जजमेंट भी मिली है और अच्छा अच्छा तो हुआ ही है लेकिन बुरा भी हुआ है। तो आई थिंक ये सॉन्ग उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में रहा, जो कहते हैं ना भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलना चाहते हैं, सो इट्स लाइक इंस्पिरेशन फॉर देम। एट द सेम टाइम I would say preachy gaana nahi, it's a fun song. We did it in the Kanthimari slums. The thought of the song is ki log dekh rahe hain hame, but we are still walking our walk, talking our talk, and I think people love the song, hopefully. Humne apna kaam kar liya. I think the video, jis tarah se video shoot kiya hai, wo bahut bahut hi superb hai, bahut bahut acha hai. I think so look wise और बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा जैसे कि नेहा ने कहा, अगर वैसे भी देखने जाए, आई थिंक द जर्नी इटसेल्फ ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी वेल एंड ब्यूटिफुली शोन इन दिस वीडियो, एंड द वर्डिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल। इट्स ऑफकोर्स इट्स अ फीमेल सिंगर, बट मोस्टली ये बहुत एक ऐसा एटीट्यूड वाला गाना है जिससे लाइक अपनी गलतियों से भी इंसान डेफिनेटली सीख के आगे बढ़ता है, एंड आई थिंक सो इट्स अबाउट most of the women जिन्हें actually अगर criticize भी किया जाता है, but they never give up. It's about that attitude. It's like okay, I'll still try. And I'm still लोगों का ही लोगों का काम है कहना, अगर लोगों की बातें सुन के बैठ जाओगे, गलना फड़ के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं करोगे लाइफ में। ओके, सो आज आप खतरा खतरा शो में आए हो, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? रश्मि मैम, आप फिर से आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे भारती आते रहती है बिग बॉस में बार बार, मैं खतरा खतरा पे आना छोड़ूंगी नहीं। मैम, आज दो सुपर लेडी खतरा खतरा में आया, कितने ज्यादा क्या कुछ गेम होगी अंदर नौ महीने जो ये खेल नहीं पाई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही वो सारी बड़ा घर पे निकालने वाली है, फ्री में जब कोई आता है तो पूरा निचोड़ के नेक्स्ट शो कोई काम ना कर पाए, सबको रेस्ट का मौका दे। तो पहले ये हमें गीला करेंगे, फिर हमें निचोड़ेगी, फिर हमें भेजेंगे। कौन सी गेम होगी कुछ तो पहले बता देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।